नमस्कार, आप देख रहे हैं अष्टयोगी। मैं हूं आचार्य शांति स्वरूप जोशी। दर्शकों, स्वागत है आपका अष्टयोगी की इस खास सीरीज मासिक राशिफल में। मासिक राशिफल में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करें। जो जातक सितंबर के महीने में अपना जन्मदिवस मना रहे हैं या अपने शादी की सालगिरह मना रहे हैं, तो उन लोगों को अष्टयोगी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, इस महीने ग्रहों का जो परिवर्तन है वो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन रहेगा और जिसका फल जो हम कह सकते हैं महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेगा। सूर्य जो है 17 सितंबर तक सिंह राशि में बने रहेंगे, जो कि निश्चित करके आपका 17 सितंबर तक गोचर का फल देंगे। पहली तारीख यानी 1 सितंबर को शुक्र परिवर्तन हो रहे हैं। शुक्र काफ़ी समय से कन्या राशि में नीच के चल रहे थे, उनका परिवर्तन तुला राशि में जो कि स्वराशि है वहां पर हो जाएगा और निश्चित करके उसका अच्छा फल देखने को मिलेगा। 2 सितंबर को अगर हम देखते हैं तो बुध का परिवर्तन हो रहा है। बुध जो है कर्क राशि में राहु के साथ लंबे समय से थे और वो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि में सूर्य के होने के कारण बुध आदि योग भी बन रहा है, जो कि ज्योतिष शास्त्र में शुभ योग माना जाता है। दूसरा परिवर्तन, जो बड़ा परिवर्तन इस महीने में हो रहा है, वो है 6 सितंबर को। इसमें जो है शनि वक्र से मार्गी हो जाएंगे। आपने देखा होगा कि धनु राशि में काफ़ी समय से शनि मार्गी या वक्री उल्टी चाल चल रहे थे, तो उनका जो है सीधी चाल शुरू हो जाएगी और जो आपके कार्य रुके हुए थे, जो कार्य अटके हुए थे, उन कार्य में भी आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यह परिवर्तन केवल धनु राशि में ही हो रहा है, शनि जो है कोई परिवर्तन नहीं कर रहे, मात्र सीधी चाल चल रहे, मार्गी हो रहे, जिसका भी प्रभाव आपकी राशि में निश्चित पड़ने वाला है। 17 सितंबर को जैसे मैंने जानकारी दी कि सूर्य जो है सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और वहीं इस महीने का जो लास्ट परिवर्तन जो है बुध का रहेगा, वो 19 सितंबर को होने वाला है। तो बुध भी जो है कन्या राशि में सूर्य के साथ चले जाएंगे, वहां पर दोबारा से बुधादि योग बन रहा है, जो कि एक महीने में दो बार हो रहा है और इसका भी प्रभाव आपकी राशि में निश्चित पड़ने वाला है। कुल मिलाकर पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ कैसे प्रभावित होगी, इस वीडियो में आप जानेंगे। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मिला जुला परिणाम देने वाला है। इस माह के पूर्वार्ध में सूर्य आपकी राशि से अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं, जो कि आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं लेकर आ सकते हैं। विशेषकर दिल के मरीज जो हैं उनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। आत्मबल, एक जो हमारा शारीरिक जो कॉन्फिडेंस हम कह सकते हैं, मानसिक कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपकी कमी आ सकती है। माह के आरंभिक दिनों में ही बुध भी जो है सूर्य के साथ अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपको प्रतिद्वंद्वियों द्वारा, जो आपके कम्पिटिटर हैं, जो आपको प्रतिभा के साथ कंधा मिलाना चाह रहे हैं, उन लोगों से आपको कहीं ना कहीं सतर्क रहना है, सचेत रहना है और उन गुप्त शत्रुओं से भी सचेत रहना जिनको आपकी कमजोरियां पता है, कहीं ना कहीं आपके वीक पॉइंट को जानते हैं, उनसे आपको सतर्क रहना है। हालांकि माह के आरंभ में ही कर्म भाव का शुक्र स्वराशिगत होकर गुरु के साथ युति कर प्रोफेशनल ग्रोथ के संकेत दे रहा है, मतलब आपको लाभ के संकेत बना रहा है। कार्यस्थल पर आपका काम सराहनीय रह सकता है, हालांकि व्यवसायी व्यवस्थाओं के कारण हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ प्रभावित हो, मतलब कार्य क्षेत्र में बिजी होने के कारण आप अपने प्रोफेशनल लाइफ को समय नहीं दे पाए, इसका भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि माह के आरंभ में ही कर्म भाव में शुक्र स्वराशिगत होंगे, जो कि बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, इससे आपके कार्यस्थल में प्रोफेशनली ग्रोथ होगी और कहीं ना कहीं कह सकता हूँ कि आपकी कार्य की प्रशंसा भी बनेगी। यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बिजी होने के कारण कहीं ना कहीं अपनी पर्सनल लाइफ और कार्य क्षेत्र में बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ पर विशेष ध्यान आपको देना है।
कि ये बैलेंस अगर आपने नहीं बनाया तो आपका पारिवारिक जीवन प्रभावित हो सकता है। अपने पारिवारिक जीवन से आपको शिकायतें मिल सकती कि भाई हमारे लिए समय कहाँ है। माह के सप्तांत में, पहले सप्तांत में अगर आप देखते हैं तो आपके राशि स्वामी शनि जो हैं 12वें घर में वक्र से मार्गी हो रहे हैं, और मार्गी होने से हमें कह सकते हैं आपके लिए जो है आपका जो संचित धन है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं वृद्धि के योग बन रहे हैं। और जो कोई लोग आपके कार्य क्षेत्र में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे या रोड़े अटका रहे थे, वो भी शनि महाराज उनको आपके रास्ते से हटा देंगे, जिससे कि आपकी जो कार्य की गाड़ी है, धन की गाड़ी है, वो अपनी गति के साथ आगे बढ़ती रहेगी। माह के उत्तरार्ध में जहाँ सूर्य आपके राशि के हिसाब से भाग्य स्थान में प्रवेश करेंगे, और उनके साथ कुछ समय में ही बुध भी प्रवेश कर जाएंगे, तो भाग्य स्थान पर बुध आते योग बनने से आप अपने आप को किस्मत के धनी समझ सकते हैं, भाग्यवान समझ सकते हैं। इससे पैतृक संपत्ति में जो बाधाएं थी वो भी दूर होंगी, पैतृक संपत्ति से आपको परेशानियों से आपको निजात मिल जाएगी। रोमांटिक लाइफ में भी पार्टनर का साथ बहुत अच्छा रहेगा, और उसके साथ समय बिताने का या बातें करने का समय भी आपके पास पूर्ण रहेगा। हालांकि इस पूरे माह में आपको ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब अहंकार कह सकते हैं, अति आत्मविश्वास जो है उससे आपको बचना होगा। व्यावसायिक लेन देन संबंधी मामलों में भी कहीं ना कहीं वाणी में आपको संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि वाणी ही सर्वोपरि होती, गलत हो गया तो आपके प्रभाव को निष्क्रिय कर सकती है। माह के मध्य में 17 से लेकर और 19 तारीख के बीच का समय जो है सावधानी वाला है। इस समय निवेश करने से विशेष करके आपको बचना है, क्योंकि आपकी राशि से कहीं ना कहीं देखता हूँ मैं कि शनि के साथ जो है 12वें घर में विषयोग बन रहा है, वो विषयोग आपको धन हानि का योग बना सकता है अगर आपने गलत डिसीजन या गलत समय में धन का आपने निवेश किया तो। इसी से सावधानी जरूर बरते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए करियर के लिहाज से यह माह काफ़ी अच्छा रहने वाला है, और माह के पूर्वाध में सूर्य आपकी राशि से सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, जहाँ से कि आपको लाइफ पार्टनर के करियर से भी खुशियाँ मिल सकती हैं, उनके करियर से भी अच्छा सपोर्ट आपकी राशि से भी प्राप्त हो रहा है। परिवार में खुशियाँ मनाने का अवसर आपको मिलेंगे, और हो सकता है किसी मांगलिक कार्य में शामिल होना या मांगलिक कार्य के आयोजन में भी आपकी व्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं। शुरुआती दिनों में सूर्य के साथ बुध की युति भी रहेगी। जिन अभाई जातकों की शादी की बातें बार बार रुक रही थी, तो पूरा यकीन है कि यहां पर इस समय में उनका कहीं ना कहीं कार्य बनने की जो है संभावना बन रही है। विवाहित जातकों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने जो पार्टनर से जो है थोड़ा सा संयम बनाए रखें, कहीं ना कहीं जो है मैत्रीतापूर्ण बनाए रखें, वो आपके लिए और अच्छा रहेगा आगे चलकर। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि माह की शुरुआत में शुक्र जो है वो आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, 8वें घर से 9वें घर में जाएंगे, वहाँ पर बृहस्पति के साथ युति बना रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि भाग्य आपके साथ पूर्ण रूप से बना रहेगा, भाग्य आपको पूरा साथ आपको देगा, जिससे कि आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे या धन लाभ का योग बनेगा या कहीं ना कहीं पद प्रतिष्ठा का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य के मामले में भी मैं अगर ये महीना देखूं तो आपके लिए सामान्य बने रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें मैं दूर दूर तक इस महीने आपको नहीं देख रहा हूँ। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए मौज मस्ती घूमने फिरने का समय भी हो सकता है, पूरी तरीके से इसका मजा लें। 6 सितंबर को आप की राशि स्वामी शनि लाभ घर में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। लंबे समय से यदि किसी जगह पर लाभ प्राप्ति की उम्मीद लगाए बैठे थे तो यह समय वो पूरी करने वाला है, पूरी हो सकती है। अतीत में किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी रह सकता है। जो जातक नया व्यवसाय या नई नौकरी की तलाश में थे, उनके लिए भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि एक सफलता का संकेत बन रहा है। शारीरिक तौर पर भी यह समय आपके लिए लाभकारी बन रहा है, और स्वास्थ्य के साथ साथ संतान पक्ष भी या आपके लिए कहीं ना कहीं लाभकारी रहने वाला समय दिखाता है। रोमांटिक जो लाइफ हमारी होती है उसमें मधुरता का संकेत मैं पूरी तरीके से देख रहा हूँ, तथा लाइफ पार्टनर के साथ या पारिवारिक जनों के साथ भी यात्राओं के योग भी बनेंगे, जो कि कहीं ना कहीं आपके लिए मानसिक एक शांति देने वाला रहेगा या मानसिक जो थकावट थी उसको दूर करने वाला योग बन रहा है। माह के उत्तरार्ध में सूर्य भगवान या सूर्य नारायण जी हम कह सकते हैं
वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं जो कि आपकी राशि से अष्टम भाव में होगा। कुछ समय पश्चात बुध भी आठवें स्थान में प्रवेश कर जाएंगे सूर्य के साथ, तो स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता का समय है। ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के प्रति आपको अलर्ट रहना होगा। लाइफ पार्टनर व पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी चिंताएं बढ़ सकती हैं। कामकाजी जीवन में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। जो ये समय है उत्तरार्ध वाला, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। संतान से लेकर जो चिंताएं हैं वो भी आपको थोड़ा सा सता सकती है। रोमांटिक लाइफ की बात करें तो जो जातक लव मैरिज के मतलब प्लान कर रहे थे, लव मैरिज करने का सपोर्ट लेना चाह रहे थे अपने पारिवारिक जनों से, तो थोड़ा सा यहाँ पर कहीं ना कहीं उनको भी अड़चने देखने को मिल सकती है। मैं यही कहूँगा कि ये जो समय है उत्तरार्ध वाला थोड़ा सा चुनौती भरा आपके लिए है, तो केवल अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने कुशाग्र बुद्धि से आप इस चीज़ को भी अपने पक्ष में कर सकते हैं। आपको विशेषकर जो ये माह है यहाँ का, इस माह के जो 17 से लेकर 19 तारीख का जो समय है वो आपको काफ़ी सावधानीपूर्वक ध्यान से उस समय को बिताना है, क्योंकि आपके लाभ घर में जो है आपके राशि स्वामी शनि जो है वो चंद्रमा के साथ विष योग बना रहे हैं। तो ये ना हो कि जो हम मतलब अनुचित मार्ग होते हैं, मतलब शॉर्ट तरीके से जो धन कमाने का जो एक लालच हमारे मन में आ जाता है, तो इस समय पर वो रिस्क तो बिल्कुल ना लें, तो आपके लिए हानिप्रद हो सकता है। तो ये 3 दिन आपको विशेषकर सावधानीपूर्वक बिताने हैं। अगर ये निकल गया तो निश्चित है कि ये समय आपका मिला जुला रह सकता है। मीन राशि वाले जातकों के लिए यह माह आरंभ में अगर मैं देखता हूँ तो सूर्य आपके छठे घर में बने रहेंगे, जो कि आपको स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ाने वाला हो सकता है। विशेषकर लीवर हो गया, दांत हो गया या कान संबंधी परेशानियों से आपको जूझना पड़ सकता है, उनसे दो चार आपको रहना पड़ सकता है। कार्यस्थल पर भी आपको अथक प्रयास करने पड़ेंगे, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर विशेष करके मैं कह सकता हूँ जो आपके विरोधी हैं, जो आपके गुप्त शत्रु हैं, वो आपके पीठ पे छुरा घोंपने का कार्य भी कर सकते हैं, तो इनसे सावधान रहना है, इनसे आपको अपना बचाव करना है। माह के आरंभ में ही सूर्य के साथ जो है बुध भी छठे घर में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बुध जो है वाणी का कारक ग्रह है। यहाँ पर आपको अपनी वाणी को संयम में रखना होगा, क्योंकि इससे आप क्या कर सकते हैं कि जो अपने खास व्यक्ति हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। तो विशेषकर ध्यान रखने की वाणी पे आपको वो रखना है। अष्टम भाव में कहीं ना कहीं शुक्र जो है वो भी प्रवेश करेंगे आपकी कुंडलिका में, जो कि बृहस्पति के साथ करने वाले हैं। आपके जो राशि स्वामी हैं बृहस्पति साथ रहेंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी चुनौतियाँ आप झेल रहे थे उनसे विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्षमता है शुक्र और बृहस्पति में आपके राशि स्वामी में कि उन चुनौतियों को वो करारा जवाब दे सकते हैं और आपके विजय को निश्चित कर सकते हैं। 6 सितंबर को जो शनि महाराज हैं वो आपके कर्म भाव में जो वक्र चल रहे थे लंबे समय से वो मार्गी हो जाएंगे। इससे क्या होगा कि जो आपके कार्य अटके पड़े थे, जो रुके पड़े थे, उनके अचानक बनने की संभावना आपके सामने दिखने लगेगी। जो काम का बोझ था, जो आपके ऊपर निरंतर आपको मेंटली वीक कर रहा था, वो भी धीरे धीरे हटने लग जाएगा। जो जातक निवेश करने में जोखिम उठा सकते हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है विवेकपूर्ण निर्णय लेकर किसी अच्छा एक किसी की सलाह लेकर भी आप पर आप निवेश कर सकते हैं, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिलेगा। माता के पक्ष से भी देखता हूँ तो माता के पक्ष से आपको कहीं ना कहीं सफलता के संकेत मिल रहे हैं, उनसे आपको लाभ के संकेत पूरी तरीके से मिल रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में साथी के साथ आपके रिश्ते भी प्रगाढ़ होंगे, जो पति पत्नी के रिश्ते हैं वो मजबूत होंगे और उनको आप आनंदित रहकर मतलब अपने जीवन को निर्वाह कर सकते हैं। माह के उत्तरार्ध में सूर्य जो है आपकी राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे तथा 19 सितंबर को बुध भी पीछे पीछे उनके साथ आ जाएगा, जिससे कि रोमांटिक लाइफ जो है वो आपकी हम अच्छी कह सकते हैं, उसमें रिश्ते जो आपके बेहतर हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ की भी हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इस युति से जो सूर्य और बुध की युति बनती है उससे काफ़ी लाभ आपको मिलेगा। हालांकि जो जातक मतलब पार्टनरशिप कह सकते हैं या साझेदारी में जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समय में संभल कर चलने वाला है, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कतें हो सकती हैं।
पार्टनर व आपके बीच में कहीं ना कहीं ईगो का प्रॉब्लम भी हो सकता है, थोड़ा सा कभी जो साइड इफेक्ट है उसका, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को तालमेल बनाकर चलना होगा, जिससे कि आपको सफलताएं मिलेगी। मानसिक जो प्रॉब्लम आपको है उससे निजात पाने के लिए ध्यान और क्रिया मेडिटेशन का आप सहारा ले सकते हैं, उससे आपका थोड़ा सा रिलीफ आपको मिलेगा। जो बात रही कि जो लोग अभी अपना व्यवसाय परिवर्तन कर रहे हैं, नौकरी परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़े समय के लिए इस डिसीज़न को टालना पड़ेगा, क्योंकि अगर जल्दीबाजी करेंगे तो नुकसानप्रद आपके लिए रह सकता है, और थोड़ा सा इंतजार करने से मुझे लगता है कि आपके लिए लाभ के अच्छे अवसर में देख रहा हूँ। माह के मध्य में सेप्टेम्बर 17 सितंबर से लेकर 19 सितंबर 3 दिन है, आपके लिए विशेष सलाह यही है कि आप जो है संयम बनाए रखें, क्योंकि सावधानी भी रखनी है आपको, क्योंकि कार्यस्थल पर आपकी जो प्रतिष्ठा है उसको कोई ठेस पहुंचा सकता है। और सेहत अगर देखा जाए तो थोड़ा हो सकता है कि अनुकूल ना रहे, आपको सपोर्ट ना करे, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। दरअसल इस समय क्या हो रहा है कि कर्म भाव में जो है शनि के साथ चंद्रमा विचरण करेंगे, जो कि विषयोग बनाते हैं, और विष का मतलब जहर होता है, तो कोई ना कोई चीज़ों को नुकसान हो सकता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दर्शकों, यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के आधार पर बनाया गया है। आपकी कुंडलिका से यह माह आपके लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की चाल से आपके जीवन का हाल किस कदर करवट ले सकता है, इस संबंधित जानकारी लेने के लिए आप एस्ट्रो योगी में भारत के बेस्ट एस्ट्रोलॉजरों से सलाह ले सकते हैं, उनसे कंसल्ट करके अपनी कुंडलिका का विस्तृत जानकारी ले सकते हैं कि सितंबर में आपका जीवन कैसा रहेगा। दर्शकों, मुझसे परामर्श करने के लिए आप हमारी एस्ट्रो योगी में विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारे जो स्क्रीन पर दिया गया नंबर है उस पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। दर्शकों, यह वीडियो आपको कैसा लगा निश्चित है कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि आपकी प्रशंसा से जो हमारा जो हौसला बढ़ता है, हम पूरी एनर्जी के साथ पूरे रिसर्च के साथ आपके बीच आते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों को परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी इसका लाभ जरूर पहुँचाएँ। और हाँ, एक अपील आपसे लास्ट में भी है कि हमारे एस्ट्रो योगी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। GPS से ड्राइविंग कितनी आसान हो जाती है ना, सोचो लाइफ के लिए GPS होता। एस्ट्रो योगी फॉर एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस ऑन योर फोन। मोर देन 2 मिलियन कस्टमर्स अक्रॉस 85 कंट्रीज हैव कंसल्टेड एस्ट्रो योगीज एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर्स। विजिट astroyogi.com और डाउनलोड द ऐप टुडे। एस्ट्रो योगी, आपके लाइफ का GPS।